बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर में कोरोना वायरस से सुरक्षा बरतने के लिए प्रशासन हुआ मुस्तैद। राज्य शासन के मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कोरोना वायरस से एहतियात बरतने के लिए आला अधिकारियों को दिए निर्देश। स्कूल, पुलिस, होमगार्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए निर्देश। वहीं विदेश से लौट रहे लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की होगी पूरी व्यवस्था। जिला चिकित्सालय में एक सेपरेट ओपीडी और सेपरेट वार्ड का किया इंतजाम। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आने वाली होली के त्यौहार में सावधानी के लिए दिए निर्देश। कोरोना वायरस से डरे नहीं, सतर्कता बरतें, सावधान रहें। वायरस को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने कल निर्देश जारी किए हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कल बैठक ली जिले के अधिकारियों की वीसी के माध्यम से। उसके बाद हमने जो है सभी जगह एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें स्कूल एजुकेशन को, पुलिस को, होमगार्ड को, रेवेन्यू को, हेल्थ को, इन सारे डिपार्टमेंट्स को, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको ऑन बोर्ड लिया गया है। हम फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी अब हमने संपर्क स्थापित कर लिया है। जो लोग विदेशों से जो प्रभावित देश हैं वहाँ से यदि दौरा करके लौट रहे हैं तो उनका चेकअप वगैरह की पूरी व्यवस्था कर ली। हमने यहाँ पे नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में एक सेपरेट ओपीडी और एक सेपरेट वार्ड, दो बेड जो हैं उनके लिए आरक्षित कर दिए हैं ताकि इस तरह का कोई मरीज आए तो उसको निगरानी में रखा जा सके। होली के देखिए, होली के त्यौहार पर ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ में यदि आप खेलते हैं जिसमें आपको पता नहीं है कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ से आया है तो आपको परेशानी नो डाउट हो सकती है। पर चूंकि नरसिंहपुर में विदेश से आने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित रहती है, यदि आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, जिनके बारे में आपको पता है, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में पता है,